नमस्कार दोस्तों, राइसेंस गैरेज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इस वीडियो में होंडा एक्टिवा 3G का फ्रंट फॉग बेयरिंग और फ्रंट मडगार्ड कैसे रिप्लेस करते हैं वो आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो आपको आपका टायर निकालना है और इधर आपको चाहिए एक 19mm का सॉकेट। इधर आप देख सकते हैं ये आपको यूज करना है। और ये टायर का एक्सल बोल्ट का नट जो है वो आपको निकालना है। इधर मैंने ये नट ऑलरेडी लूज करके रखा है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। और एक बार ये नट निकालने के बाद आपको ऐसे कटकटा के एक्सल बोल्ट दूसरे साइड में करना है और दूसरे साइड में ऐसे खींच के बाहर निकालना है। और एक जरूरी चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस साइड अगर आप आएगा तो ये पार्ट इधर रहता है, इसको संभाल के रखिएगा। ये टायर वापस डालते समय आपको चाहिए पड़ेगा। तो वो एक्सल शू निकालने के बाद आपको आपके दोनों ब्रेक केबल्स जो है वो छोड़ने हैं। और इधर मैंने एक ब्रेक केबल का नट निकाल दिया है और ये दूसरे केबल का नट पूरा जाम हो गया है और ये केबल भी पूरा खराब हो गया है। तो इसको मैं कट करके निकालूंगा। ये सब आपको छोड़ने को पड़ रहा है क्योंकि ये सब केबल जो है वो आपके मडगार्ड में से पास हुए रहते हैं, इसी वजह से ये आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो ये कट कर दिया मैंने मेरा दूसरा केबल। और ये दोनों केबल छोड़ने के बाद आपको आपका केबल और ब्रेक शू असेंबली जो है वो साइड में करनी है और आपका टायर जो है वो ऐसे आराम से बाहर निकालना है। और वो साइड में करने के बाद आपको आपका एक्सेलरेटर केबल का कनेक्शन जो है वो ऐसे स्क्रू ड्राइवर अंदर डाल के क्लिप को रिलीज करके ऐसे बाहर निकालना है। और एक्सेलरेटर केबल बाहर निकालने के बाद ये दोनों ब्रेक केबल जो है वो इस होल में से पास हुए रहते हैं, ये दोनों केबल जो है वो होल में से ऐसे बाहर निकालने हैं और उनको फ्री करना है। और फिर आपको आपके बैटरी कंपार्टमेंट का कवर निकालना है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, लिंक मैं इधर ऊपर डाल दूंगा, आप चाहे तो उधर जाके चेकआउट कर सकते हो। और बैटरी कंपार्टमेंट का कवर निकालने के बाद आपको ये दोनों पैनल्स निकालने हैं। तो ये एक पैनल को इधर दो बोल्ट रहते हैं, ये दोनों बोल्ट आपको निकालने हैं। और वो दोनों बोल्ट निकालने के बाद आपको पीछे के साइड में आना है और इधर पीछे के साइड में तीन स्क्रूज रहते हैं। तो अगर आपका इधर गार्ड लगा हुआ है तो वो भी निकाल, पीछे के सब स्क्रूज निकाल दीजिए। तो इधर एक नीचे भी स्क्रू रहता है, वो भी आपको निकालना है। तो ये सब स्क्रूज निकालने के बाद आपका पैनल जो है वो आराम से ऐसे बाहर निकले। तो यही सेम स्टाइल यूज करके आपको दूसरे साइड का भी पैनल निकालना है। और फिर आपको ऊपर आके ऊपर के फेयरिंग के चार स्क्रूज रहते हैं वो आपको निकालने हैं। और इधर एक बीच में एक स्क्रू रहता है वो भी आपको निकालना है। और ये सब स्क्रूज निकालने के बाद आपका फेयरिंग ऐसे पूरा बाहर निकलेगा। इधर इसको इधर एक नीचे स्क्रू रहता है जो मेरा नहीं था, वो भी आपको पहले निकालना पड़ेगा। और बाद में इसके सब प्लग्स छोड़िए और फेयरिंग को गाड़ी से अलग कीजिए। और बाद में इस मीटर कवर को अंदर से दो स्क्रूज रहते हैं वो आपको निकालने हैं। और ये है मेरे वो दो स्क्रूज। और वो दोनों स्क्रूज निकालने के बाद आपको स्पीडोमीटर का व्हील ऐसे रोटेट करके स्पीडोमीटर से अलग करना है और इस कवर को ऐसे साइड में करना है। और फिर आपको लेना है एक 14mm का सॉकेट और इस बोल्ट को निकालना है। और ये बोल्ट निकालने के लिए ऐसा एक 19mm का पाना चाहिए पीछे से नट को पकड़ के रहने के लिए। तो इधर मैंने पीछे से स्पैनर डाल दिया है और इधर ऊपर से मैं 14mm सॉकेट लेके ये पूरे बोल्ट को बाहर निकालूंगा। तो ये निकल गया मेरा बोल्ट। अब इस बोल्ट को पीछे से ऐसा एक वाइसर था और एक नट था, तो इसको संभाल के रखिएगा। तो ये नट बोल्ट निकालने के बाद आपका पूरा हैंडल बार जो है वो ऐसे आपको हिलाना है और अच्छा ताकत लगाकर इसको ऐसे ऊपर निकालना है और साइड में रखना है। और वो साइड में करने के बाद आपको इधर आना है फॉक नट के पास और आपका जो ऊपर का फॉक नट है उसको ऐसे स्क्रू ड्राइवर लेके हटकटाना है और लूज करना है और बाद में वो आराम से ऐसे बाहर निकलेगा। तो इधर आप देख सकते हैं मेरा फॉक नट थोड़ा डैमेज हो गया है, इसको मैं रिप्लेस करूँगा नए वाले के साथ। और फिर आपको लोअर फॉक नट जो है वो निकालना है ऐसे घुमा के। और ये निकल गया मेरा लोअर फॉक नट और इसके नीचे ऐसे बॉल बेयरिंग्स रहते हैं तो इसको भी मैं रिप्लेस करूंगा। और ये लोअर फॉक नट निकालने के बाद आपको आपका पूरा ऐसे मडगार्ड और शॉक्स की पूरी फॉक असेंबली जो है वैसे नीचे से खींच के बाहर निकालनी है और बाइक से अलग करनी है। तो इधर आप देख सकते हैं मेरी पूरी शॉक्स असेंबली और मडगार्ड सब बाहर निकल चुका है। तो वो बाइक से अलग होने के बाद आपको पहली चीज़ जो करनी है वो है आपका मडगार्ड रिप्लेस करना है। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो तो उसको इधर एक बोल्ट रहता है, ये बोल्ट आपको पहले निकालना है। बाद में आपको पूरी फोक असेंबली उल्टा करके इसके नीचे इधर दो बोल्ट रहते हैं वो दोनों बोल्ट आपको निकालने हैं। तो इधर आप देख सकते हैं ये निकल गया मेरा एक बोल्ट और ये निकल गया मेरा दूसरा बोल्ट। तो ये दोनों बोल्ट निकालने के बाद आपका मडगार्ड जो है वो फोक असेंबली से ऐसे अलग हो जाएगा। अब इसको चाहे तो आप रिपेयर कर सकते हो या नए वाले के साथ रिप्लेस कर सकते हो। तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा नए वाले के साथ क्योंकि इधर मेरा बहुत ही रस्टेड हो गया है और अंदर से खराब हो गया है। तो ये आया मेरा नया मडगार्ड। अब मैं इसको मेरे फॉक असेंबली के ऊपर ऐसे डालूंगा और ऐसे डालने के बाद इसका जो ऊपर का बोल्ट हम लोगों ने निकाला था वो मैं पहले डालूंगा। और ये बोल्ट डालने के बाद मैं पूरी फॉक असेंबली उल्टा करूंगा और बाद में ये अंदर के दो बोल्ट जो हम लोगों ने निकाले थे वो दोनों बोल्ट अभी मैं डालूंगा। तो इधर मैंने लाए हैं नए स्टील बॉल्स जिसको मुझे पड़े हैं 40 रुपया मेरे बॉल बेयरिंग में डालने के लिए। इधर आप देख सकते हैं इसमें दो साइज आते हैं, एक मोटे और एक थोड़े पतले। तो मोटे वाले जो है वो आपको नीचे लगाने हैं। तो इधर मैं मेरे नीचे वाले हिस्से में बॉल बेयरिंग लगाऊंगा। तो ये वीडियो निकालते समय मैंने इधर मेरा मडगार्ड अभी तक डाला नहीं है,
लेकिन आपको ये काम मडगार्ड डालने के बाद करना है, नहीं तो आपका फोक असेंबली उल्टा करते समय आपके पूरे बॉल्स गिर जाएंगे। आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा, पहले मडगार्ड डालिएगा और फिर आपको पहले ऐसे ग्रीस लगानी है और ग्रीस लगा के पूरे स्टील बॉल्स जो है वो अभी आपको अच्छी तरह से पोजिशन में डालने हैं। तो इधर मेरे स्टील बॉल्स लगा के हो गए हैं। तो स्टील बॉल्स अच्छी तरह से लगाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा ऐसी ग्रीस लगाइए और वो ग्रीस लगाने के बाद ये मेरे पुराने मडगार्ड के ऊपर ऐसे रबर था वो मैं निकाल के नए वाले के ऊपर लगाऊंगा ऐसे, क्योंकि मेरे नए वाले के साथ ये नहीं आया है तो इसको मैं फिर से यूज करूंगा। और इसको लगाने के बाद आपको पूरी फोक असेंबली जो है वो ऐसे अंदर डालनी है। फिर से भी इसको अच्छी तरह से अंदर डालिए और ये अच्छी तरह से अंदर जाने के बाद इसके नीचे ऐसे टायर कुछ डालिए ताकि ये पूरी असेंबली फिर से नीचे ना आ जाए। और ये डालते समय और एक चीज आपको ध्यान देनी है कि स्टील बॉल्स जो आपने लगाए हैं वो गिरने नहीं चाहिए। अगर वो गिर भी गए हैं तो वो सिर्फ आपको वापस लगाने हैं, लेकिन वो कम नहीं होने चाहिए। और वो इन पोजीशन रखने के बाद आपको ऐसे ऊपर के साइड में आना है और इस वाटी को अच्छी तरह से क्लीन करना है कपड़े के साथ अगर वो गंदी है तो। और बाद में आपको ग्रीस लगानी है और ग्रीस लगाने के बाद आपको आपके स्टील बॉल्स लगाने को चालू करने हैं। जो छोटे स्टील बॉल्स है वो मैं इधर लगा रहा हूँ, तो स्टील बॉल्स को अच्छी तरह से पोजीशन में डालिए, कम स्टील बॉल्स मत डालेगा और ज्यादा भी मत डालेगा। तो इधर आप देख सकते हैं मेरे स्टील बॉल्स जो है वो लगा के हो गए हैं। तो इधर आप देख सकते हैं ये है मेरा ऊपर का, और बाद में अगर आप नीचे जाओगे तो ये रहा मेरा नीचे का। तो सब स्टील बॉल्स अच्छी तरह से लगाने के बाद ऐसे आपको ऊपर से पुश करके वो फोक को पूरा ऊपर लाना है और फिर आपको ये नीचे का फोक नट डालना है और उसको अच्छी तरह से टाइट करना है। और वो टाइट करने के बाद मैं लगाऊंगा मेरा ऊपर का फोक नट। और इधर आप देख सकते हैं मैंने नया लाया है, तो इसको अभी लगाइए और अच्छी तरह से टाइट कीजिए। और वो टाइट करने के बाद आपको आपका हैंडल बार जो है वो फिर से पोजीशन में डाल के फोक के अंदर डालना है। और वो फोक के अंदर डालने के बाद हैंडल बार का जो होल है इधर आप देख सकते हैं वो आपको अलाइन करना है ठीक से। और फिर आपको ये बोल्ट जो आपने निकाला था वो वापस डालना है और ये बोल्ट जो है वो टिक से अंदर डालिए, वो दूसरे साइड में पास होना चाहिए। और दूसरे साइड में पास होने के बाद उसके ऊपर ऐसा ये वाइसर लगाइए और फिर वो नट लगाइए और बाद में उसको अच्छी तरह से टाइट कीजिए। और उसको अच्छी तरह से टाइट करने के बाद आपने जो टायर निकाला था वो आपको वापस डालना है। तो इधर से अभी तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा क्या करना है, वो जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था वही आपको रिवर्स में फॉलो करना है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने को मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।